बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज आपको एक बहुत ही अच्छी दम बिरयानी की रेसिपी देते हैं। चले आए शुरू करते हैं। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चिकन है, इसको मैरिनेट करना है। दो एक एक कप दही, ये ड्राई मसाले हैं, इसमें साबुत भी हैं और पिसे हुए। हल्दी 1 चाय के चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हंसते जरूर, 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के 3-4 टुकड़े और बाकी काली मिर्च, सब्ज इलायची। सारा ड्राई प्लम्स 1 प्याला, सब्ज मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। रैप करके 1 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने प्याज फ्राई किया बिरयानी के लिए, और इसी ऑयल को यूज़ करते हुए हम अपने गोश्त इसमें फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, आप इसको थोड़ा कड़कड़ाएंगे। जीरा थोड़ा फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसमें 4 टमाटरों को पीस के डाल देंगे। टमाटर तब तक भूनने हैं जब तक अच्छी तरह इनका पानी मिक्स ना हो। टमाटर बहुत अच्छे से भून गए हैं, अब इसको ऑयल में हो गया। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल, इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। Thank you.
चिकन को थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड पर अभी हम अपने चावल बॉयल करने के लिए पानी रख देंगे। चावल बॉयल करने के लिए गरम मसाला इसमें डाल, अभी इसकी चिकन की कंडीशन देखते हैं कैसी है। अभी स्टेयर पे जो प्याज फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे, थोड़ा और थोड़ा सा गार्निश के लिए रोक लेंगे। लीवर चार प्याज को मैंने फ्राई किया था, अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे और फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर देंगे। अब कवर पल्प है, हमारे घर में जब बिरयानी बनती है तो इमली यूज़ करते हैं, मगर आपके घर में कोई इमली खट्टी बिरयानी पसंद नहीं करता आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनली तौर पर पसंद है। ये तकरीबन आधी प्याली अभी रेस में ऐड कर दी, अपने अपने कुकिंग करने के तरीके होते हैं। अब हमारा बिरयानी का कोरमा बिल्कुल रेडी है, इसमें अब हम सिर्फ 2 या 3 चीज़ें और ऐड करेंगे, उसके बाद चावल ऐड करेंगे। चावल भी बताएंगे कि किस तरह कितने परसेंट पहले ही तय में यूज़ करने हैं और दूसरी में कितने परसेंट गले हुए हों। इस स्टेज पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच या 2 खाने का चम्मच रोज वाटर ऐड करते हैं। मेरे पास ये बिरयानी है, स्नैक्स है, अगर ये है तो ये यूज़ कर लें, अगर आपके पास थोड़ा है स्नैक्स है तो आप वो यूज़ कर लें। ये सिर्फ चंद कतरे
सिर्फ ये बुक के लिए यूज होता है, जायका वगैरह इसका कुछ नहीं। ये मेरे पास साफरान है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ एक चुटकी के बराबर यूज कर रहा हूँ। बस अब हमारा ये कोरमा डन है, अब चावलों का वेट है, चावल बॉयल आता है पानी को, चावल ऐड करते हैं। थोड़ा खुला नमक ऐड करेंगे, इसके साथ ही चावल ऐड कर। थोड़ा धनिया शामिल करेंगे और अब चावल तैल करेंगे। ये फूड कलर है ऑरेंज फूड कलर, इसको पानी में मिक्स कर लिया। अब इसको अब जो हमने फ्राई किया हुआ प्याज चाया था, अब उसको भी ऊपर डाल। तकरीबन एक नींबू इसका रस निकाल, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे बंद करके रखते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आप देखते हैं पानी का दम कैसा हुआ है। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, अब आप लोग खा तो नहीं सकते, लेकिन देख के बता सकते हैं कि कैसी बनी है। ये देखें एक एक चावल बिल्कुल अलग है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।